नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपल में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की जो टॉपिक है, जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ओके, बहुत टाइम से मुझे कुछ लोग कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँ कि उनकी शादी कब होने वाली है। ओके, ये हर एक के लिए है, लाइक उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, देन उन लोगों की शादी टूट चुकी है। ओके, एंड वो सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ये उनके लिए भी है। मतलब जितने भी लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, हर एक के लिए है। ठीक है, सो मैं बताऊंगी कब होने वाली है आपकी शादी, एंड ऑल्सो क्या क्या चेंजेस आएगा आपके लाइफ में, एंड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जो आपके आपको खुद के ऊपर वर्क करना है। ओके, जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंजेस आ सके। ओके, एंड यहाँ पर कुछ कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। इसको मैंने प्री शफल करके रख दिया था, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, इसलिए सो ये रहे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। यहाँ मैं दिखा देती हूँ, अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 15 तक आता है तो ये है आपके लिए पाइल नंबर 1, एंड अगर आपका बर्थ डेट 16 से लेकर 31 तक आता है तो ये आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। यस, पाइल 1 एंड पाइल 2, अपने बर्थ डेट के हिसाब से पाइल को चूज कीजिएगा। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। सो मैं पाइल 2 को साइड पे रख देती हूँ, ये जो कार्ड्स है पाइल 2 के वो मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर 15 के बीच आता है सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, सो देखते हैं शादी के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एंड ऑल्सो गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, ग्रेट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पाइल नंबर 1, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगा ही था आप लोगों का कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ओके, या दूसरा डेक का भी देखती हूँ वहाँ से क्या निकलता है आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में आफ्टर मैरिज। ओके, लेट्स सी। ओ सी अगेन द हायरोफेंट फिर से आए हैं आप लोगों के लिए, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर अर्थ साइन थोड़ा हैवी मुझे लग रहा है। एनीवेज, हर एक साइन से यहाँ पर, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स, लवली, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेन, यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स भी है। Six of Wands, beautiful. एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों की current energies भी है। ठीक है, so ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके future में क्या होगा वही मैं बताऊँगी, इसमें आपकी current energy भी है। Okay, Three of Wands and Three of Swords. Again आया है Three of Swords. Repeated cards यहाँ पर आए हैं। One more card, last card for pile number 1. Thank you. Ace of Pentacles, lovely. Bottom of the deck आपके लिए है 7 of Pentacles. Okay? इसको मैं ले लेती हूँ। दूसरा deck में आप लोगों के लिए bottom of the deck में ये था Wheel of Fortune. Okay? ये मैं लेना भूल गई थी, I'm sorry. Wheel of Fortune आया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि और बैसाख महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद,
और मेरी सभी आसामीज व्यूअर्स को मेरी तरफ से रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। सो एक ही दिन में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इंडिया की यही सबसे खूबसूरत बात है ना। सो या ये रहे आपके कार्ड्स, और यहाँ पे कौन से साइंस अवेलेबल है वो मैं बता दूँ। यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, जिनमें से लिब्रा यहाँ पर हैवी है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, जिनमें टॉरस सबसे ज़्यादा हैवी है। ओके, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस है, हालांकि फायर साइन यहाँ पर थोड़ा कम है। ओके, बाकी साइंस के मुकाबले फायर साइन थोड़ा कम है। सो या जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके जो लाइफ में या तो कुछ महीने पहले या फिर करंटली भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको बहुत तकलीफ हुआ है। ओके, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। हर किसी के लिए मैं लव सिचुएशन नहीं बोलूँगी क्योंकि हर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के लिए लव सिचुएशन में उनको तकलीफ हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर के लोगों ने ही कुछ ऐसा किया उनके साथ जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ में है, मतलब अपनों ने ही किया है बेसिकली। ओके, सो आपके जितने भी क्लोज वन हैं, जिसने भी आपके दिल को तोड़ा है, आपको तकलीफ दिया है, उस वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपने उस हाई एनर्जी को लो एनर्जी में आपने कन्वर्ट कर लिया है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपको नींद नहीं आता है, एंजाइटी में रहते हैं आप, डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ कुछ लोग शायद डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकल भी आ पाए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो नेगेटिविटी है। ओके, वो नेगेटिविटी मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है। और जो भी हुआ, आप जिस इंसान के लिए भी आपने खुद को इतना ज़्यादा मतलब यू नो तकलीफें दिए हैं, जो भी सिचुएशन आया है जिस वजह से भी आपको तकलीफ हुआ है, वो सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। ओके, आप प्रे कीजिए ऊपर वाले से। आई एम श्योर अभी आप भी आप करते होंगे प्रे ऊपर वाले से, बट फिर भी ट्रस्ट रखिए उन पर। कई लोग बुरे वक्त में ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ क्यों बार बार ये सब हो रहा है। सो ऐसा मत सोचिएगा। ओके, जो भी बुरा वक्त देख रहे हो आप लोग, उसको सहते रहिएगा फिलहाल, क्योंकि अच्छा वक्त बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफर्स भी मिलते हैं, शादी से रिलेटेड ऑफर्स, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज भी रहते हो। ओके, सो आप चाहे इसी इंसान के साथ शादी करना चाहो या चाहे कोई न्यू इंसान के साथ ही शादी करना चाहो, मुझे यहाँ दोनों तरफ से ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस काफ़ी मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शंस काफ़ी मिलेंगे, तो ज़रा सोच समझ कर ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ्यूचर ब्राइट है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी फ्यूचर ब्राइट है। अगर मैं बोलूँ आफ्टर मैरिज आपके साथ क्या होगा, तो आफ्टर मैरिज आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ करियर से रिलेटेड भी है। ओके, एंड लव लाइफ में भी कई सारे आपके यू नो पोर्टल्स खुलने वाले हैं। मींस आपके पास ऐसे ऐसे यू नो वक्त आएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिससे आपकी जो नेगेटिव माइंडसेट है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगेगा। ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस का ही मुझे लग रहा है, और डेफिनेटली ऐसे लोगों की शादी होगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड है एंड उनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर वो डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों की भी डिवोर्स होने की पूरी चांसेस है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग डिवोर्स दे सकते हो, मुझे यहाँ पॉजिटिविटी दिख रहा है। ओके, एंड अगर आप लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, चाहे आपकी ये फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड हो या फिर थर्ड हो, जो भी है, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी के लिए भी अपने प्यार की या टाइम की अटेंशन की बैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में, जिसके भी साथ आप नेक्स्ट अपना शादीशुदा लाइफ स्पेंड करोगे। ओके, और ये इंसान काफ़ी पावरफुल मुझे लग रहा है, पैसों की कमी तो मुझे नहीं लग रहा है। ओके, एंड जहाँ तक बात आपकी है, आप उनके साथ कैसे रहोगे आफ्टर मैरिज, तो बहुत ही खुशहाल फैमिली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा फैमिली नहीं होगा, छोटा फैमिली होगा, लेकिन आप काफ़ी खुश रहोगे, पैसों की कमी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप या फिर आपके पार्टनर में से कोई एक खर्चा करने के मामले में थोड़ा सोचेंगे ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना आप लोग पसंद करोगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
काफ़ी नॉलेजेबल इंसान होंगे, जो भी इंसान होगा ये ट्रेडिशनल किस्म के मुझे लग रहे हैं। ओके, ट्रेडिशनल होगा ये इंसान, रहन सहन स्पेशली वो उनका ट्रेडिशनल वे में होगा। ओके, एंड जितने भी दर्द, जितने भी पेन आपने अब तक सहा है वो सब ख़त्म होने वाला है। ओके, आपको विक्ट्री मिलने वाला है। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये एक किस्म के सन कार्ड ही माना जाता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है आप लोगों के लिए एंड सिक्स ऑफ वॉन्स आया है जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इससे यही साफ तौर पर मैं बता सकती हूँ कि जो भी बुरा वक्त, बुरा सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो या गुजर रहे थे, उसके बदले आपको बेहतर से भी बेहतर वक्त मिलने वाला है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से आपको कुछ भी पॉजिटिविटी हासिल नहीं होगा। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट करना है। नाइन ऑफ सोट्स एंड टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। और ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप पहले थे या अभी भी शायद कुछ लोग हैं, तो इस एनर्जी से बाहर निकले। ओके, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी लो एनर्जी होता है, काफ़ी लो वाइब्रेशन देता है। ये तीनों कार्ड्स काफ़ी लो वाइब्रेशन देता है। सो इन लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकले। ओके, बहुत बुरी तरह से आपको तकलीफ ज़रूर हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दो बार आया है। हो सकता है आपके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुआ हो। ओके, कोई तीसरा इंसान या फिर उनका काम हो सकता है। ओके, जिस वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, बट डोंट वरी, आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा, आपके और आपके पार्टनर का। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अभी काफ़ी रिजर्व रहते हैं, ठीक से बातचीत नहीं करते, उतना एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो मुझे यहाँ पर सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। आफ्टर मैरिज आपकी कम्युनिकेशन लेवल में काफ़ी डेवलप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पैशन भी होगा और केयर भी होगा आप लोग की रिलेशनशिप में। ओके, सो आप पॉजिटिव सोच सकते हो, आप जो सोचोगे वो ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो नेगेटिव मत सोचिएगा। तो देखते हैं ओरेकल मैसेजेस में क्या है। न्यू डोर, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड एंड न्यू डोर इज बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। जैसे कि मैंने बोला, कई सारे पोर्टल्स खुलेंगे, नहीं कई सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, चाहे वो करियर से हो या पर्सनल लाइफ की खुशियों से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी वही आपको बताया गया है, आपकी जो प्रेयर्स है, आप जो प्रे कर रहे हो ऊपर वाले से, वो सुना जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला सुन रहे हैं आपकी प्रेयर्स को और आपके प्रेयर्स को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस होता जा रहा है, ठीक है, होने वाला है जो मैरिज के प्रोसेस है। ओके, एंड में मैं देखूँगी कितने टाइम के बाद शादी होने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और फाइन ट्यूनिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जो भी ये सिचुएशंस आप लोग का चल रहा है ना, जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो आध्यात्मिक गिफ्ट्स इंसान को मिलता है, उसकी ही डेवलपिंग के लिए ये प्रोसेस आपके साथ हो रहा है, ठीक है। स्पेशली हीलिंग, आपको जो इतने तकलीफें पहुँचे हैं, इससे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही सही, आप थोड़े थोड़े तो हील हुए हो, राइट, हमेशा सेम नहीं रहता है सिचुएशन। आप धीरे धीरे करके इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे, आपको आप हील होते जाओगे। ओके, आप हील होते जाओगे और ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ही होता है, जो हीलिंग होता है। इंसान जो खुद का हीलिंग कर पाता है वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ही होता है। और साथ ही साथ आपको जो भी लेसन्स मिला, ठीक है, मेनली ये एक लेसन है, आपको जो भी लेसन मिला, इस लेसन से आप और भी इंसान को सिखा सकते हो। नेक्स्ट, आप जितने भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, जिस ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आप ही की तरह सिचुएशन फेस कर रहे होंगे अपने लाइफ में, तो आप ऐसे लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, आप ऐसे लोगों को सही डायरेक्शन में जाने के लिए एडवाइस दे पाओगे, सही एडवाइस दे पाओगे, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है और ये एक किस्म का स्पिरिचुअल गिफ्ट ही होता है। ओके, एंड हाँ, डेफिनेटली आपको जस्टिस तो मिलेगा ही। ये जो कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से ही आपको एक जस्टिस दिया जाएगा। ये जो नेक्स्ट जो आपका मैरिटल लाइफ होगा, ओके, ये एक किस्म का जस्टिस ही होगा। किसी किसी का वही पुराना इंसान वापस आएगा, आप उनको माफ़ करोगे एंड देन उन्हीं से ही रिश्ता जुड़ेगा। और कई लोगों के लिए ये एक न्यू इंसान भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। काइंडनेस, लिव विद कंपैशन, ओपन योर हार्ट टू ऑल लाइफ फॉर्म्स, बी एन एंजल विद हैंड्स। काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, नम्रता, ओके, नम्र भाव जो होता है इंसान का, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी पास में हुआ हार्ट ब्रेक, जो भी आपको तकलीफ मिला, किसी ने भी दिया हो चाहे वो, ओके,
तो उस वजह से कई बार इंसान के क्या होता है, इंसान के स्वभाव में क्रूरता आता है, एक एक किस्म की इंसान रफली बात करने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है इंसान के नेचर में, वो सॉफ्टनेस वो काइंडनेस कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। आप ऐसा होने ना दें, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है सो बी केयरफुल, संभाल लीजिएगा सिचुएशन को, इस किस्म की एनर्जी में मत रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स हैव अनटोल्ड एनर्जी, ओपन द डोर एंड लेट देम लीव, डिज़ायर एंड बिलीव आर योर पावर, ओके। या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दे। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो सच होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ओके। उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको यकीन करना है, बिलीव रखना है कि हाँ जो मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सच होगा। उसमें एक एनर्जी होता है, ओके, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है मैनिफेस्टेशन का, ओके। तो उस पर आप लोग बिलीव रखिए, आपके जो डिज़ायर्स है वो आपके सामने सच होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, बहुत जल्द वो सच होने वाला है। सो बस पॉजिटिव रहिए आप। डोंट इग्नोर योर ओन पोटेंशियल इफ़ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, बिल्ड अ डोर। खुद की जो पोटेंशियल है, आपकी जो काबिलियत है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके, उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी जो काबिलियत है उसको कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके लिए कोई सा चमत्कार नहीं हो रहा है, ओके, रीसेंट करंट सिचुएशन में अगर कुछ इस किस्म की चमत्कार नहीं हो रहा है, लाइक बहुत से लोगों के साथ होता है ना किस्मत का, बहुत जल्दी उन लोगों को लॉटरी लग जाता है टाइप का, सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप खुद को खुद क्रिएट कीजिए उस चीज़ को। और आप खुद कब क्रिएट कर पाओगे, जब आप इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप अपने लो वाइब्रेशन से जब बाहर निकलोगे तभी आप अपने हाई वाइब्रेशन में आ पाओगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट कर पाओगे। नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातचीत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ओके, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, तभी आपको नया इंसान मिलेगा, राइट। Let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life sign to the world. आप चमकने के लिए बने हो, ओके, आप चमकने के लिए बने हो, आपको बोल्ड रहना है। मीन्स बोल्ड मीन्स अगर आप सिचुएशन की वजह से ऐसे इंसान हो गए हो जो ठीक से खुलकर बातचीत नहीं करते हो, या किसी के सामने अपनी ओपिनियन रखने से पहले आप हज़ार बार सोचते हो, एंड आपके अंदर बहुत झिझक महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बोलने से पता नहीं लोग क्या जज करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा ना करें। आपकी जो ओपिनियन है वो लोगों के सामने रखा करें, ओके, स्ट्रेटली बात किया करें। जो ये एस ऑफ सॉट्स की कार्ड आप लोगों के लिए आया है आफ्टर मैरिज वाले जो सिचुएशन में है, उसमें आपके अंदर ये पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आएगा। जो बोल्डनेस है, जो अभी आपका छुपा हुआ नेचर है, वो काफ़ी बाहर आने वाला है, ठीक है। अपने लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, बोलना सीखिए ज़रूर। और यहाँ पर आपके लिए है, योर यूनिक क्वालिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, इट्स ओके टू फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी जो यूनिक क्वालिटीज़ है, और यहाँ पर जो बोला गया है, आप स्पार्कल करने के लिए, चमकने के लिए आप बने गए हो, राइट, उसके लिए आपको बोल्ड रहना है। यहाँ पर आपको बोला है आपकी यूनिक क्वालिटीज़ के ऊपर आप काम करेंगे तो ये आपके लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए आपकी वो यूनिक क्वालिटीज़ क्या है। शायद ये वही क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लोग अक्सर आपको ट्रिगर करते हैं, या फिर आपको टॉन्ट मारते हैं, ये बोलते हैं कि तुम तो हमारे जैसे नहीं हो, इस किस्म की, या फिर आपके पार्टनर ने कई बार आपको ऐसा बोला होगा आपके किसी नेचर को लेकर, ओके। उन नेचर्स में से कुछ पॉजिटिव नेचर्स हैं आपके, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, जो यूनिक है, जो लेकिन पॉजिटिव है, ओके, उन क्वालिटीज़ के ऊपर काम कीजिएगा। अगर आप डिफरेंट हैं तो ये अच्छी बात है कि आप डिफरेंट हो, आप बाकी की तरह नहीं हो। अपनी डिफरेंट क्वालिटी की वजह से आप खुद को कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप के अंदर कमी है और सामने वाला इंसान बहुत बेहतर है। नो, आप भी बहुत बेहतर हो, ओके, इस बात को समझेगा ज़रूर कि आप भी बहुत बेहतर हो। इन सभी मैसेजेस से मैं बस एक ही सिंपल मैसेज आपको देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, ओके।
लो वाइब्रेशन निकलोगे, लो वाइब्रेशन से निकलोगे तो ही आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच पाओगे और आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिलेगा। ओके, क्योंकि आगे की लाइफ आपके लिए बहुत खूबसूरत है, 10 of cups जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ओके, नेक्स्ट देखती हूँ मैं कितना टाइम लगेगा आपको शादी के लिए, ओके, फॉर पाइल नंबर वन, चाहे वो महीना हो या साल हो, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर वन कितना साल या कितना महीना लगेगा शादी के लिए, कितने टाइम के बाद पाइल नंबर वन की शादी होने की चांसेस है फॉर पाइल नंबर वन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर वन। प्लीज़ मुझे बताइए कितना टाइम बाद उनकी शादी होने के चांसेस है, जितने भी पाइल नंबर वन के व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप लोगों का शादी फिक्स हुआ है, बट वो लोग स्टिल देख रहे हैं ये वीडियो क्योंकि आफ्टर मैरिज किया उनका वो मैंने बताया है, राइट। सो कुछ लोगों का तो मुझे अप्रैल का मंथ ही नज़र आ रहा है, आप जब भी देखोगे ये वीडियो ठीक है तभी रेजोनेट करेगा। ओके, सो अभी आप लोग अप्रैल के महीने में देख रहे हो, सो मैं अप्रैल का बता रही हूँ। ओके, सो अप्रैल के महीने में ही मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है, एक हफ्ता या 8-9 दिन बाद। एंड बाकी लोगों के लिए 2 साल या फिर 2 महीने, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर एक और नंबर दिख रहा है, वो है 3 महीना या फिर 3 साल। ओके, 2 महीना या 3 महीना। एंड जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी में हैं अभी, ओके, और शादी के बारे में फ़िलहाल उनका कोई भी सोच नहीं रहे हैं, ओके, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2 से 3 साल। ओके, जो लोग ऑलरेडी रिश्ते देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या फिर जिनका जो सोच रहे हैं काफ़ी जल्दी शादी करने के बारे में, उनके लिए 2 महीना या फिर 3 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है। ओके, किसी किसी का 2 साल भी हो सकता है। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो फ़िलहाल किसी किस्म की शादी से रिलेटेड प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मुझे 3 साल स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, 2 महीना 3 महीना एंड 2 साल या फिर 3 साल, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली 2 साल 3 साल मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये रीडिंग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, जिनका बोर्ड डेट 16 से लेकर 31 तक है, ये आपकी रीडिंग है। ओके, अभी मैं आप लोग के लिए रीडिंग करूँगी, ये आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल मैसेजेस हैं और कुछ गाइडेंस है, इसको मैं लास्ट में देखने वाली हूँ। ओके, एंड सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि और बैसाख की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और हैप्पी रंगाली बिहू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अभी मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। पाइल नंबर 2, ओके ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक है किंग ऑफ वॉन्स फायरी एनर्जी, 2 of swords, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरिस लियो सजिटेरियस, 2 of swords, या किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, किंग ऑफ वाव, आपके लिए 3 किंग्स आए हैं यार, ग्रेट। किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वीको कैप्रिकॉर्न, हर एक साइंस तो यहाँ पर आ ही गया है। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, एस ऑफ रॉड्स, वाव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
क्वीन ऑफ सॉट्स, ओके ग्रेट, क्वीन और किंग्स से भर गया है ये पूरा पाइल. ओके थ्री ऑफ रॉड्स, थैंक यू. नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके. वन मोर कार्ड लूंगी मैं आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर टू, थैंक यू. ओके द हैंडमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है टेम्परेंस, ब्यूटिफुल. ओके यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस ज़्यादा हैवी है, ठीक है. अदरवाइज यहाँ पर हर एक साइंस है. लेट्स सी यहाँ से देखते हैं तो पाइल नंबर टू. ओके सेवन ऑफ कप्स, ओके नाइन ऑफ सॉट्स. मेरे हर एक पाइल्स पर ये चीज आता ही है, लाइक नाइन ऑफ सॉट्स या फिर टेन ऑफ सॉट्स या फिर थ्री ऑफ सॉट्स आते ही है. मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है. एस ऑफ सॉट्स आपके लिए तीन तीन एसेस तो आ ही गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एस ऑफ सॉट्स आ गया है आप लोगों के लिए, लक्की. यू गाइज आर वेरी लक्की, थैंक यू फॉर पाइल नंबर टू. सिक्स ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. मजिशियन, वाओ. लवर्स, ओ माय गॉड, यू गाइज आर सो लकी यार. मुझे जलन हो रही है आप लोगों से, मजाक कर रही हूँ. ओके एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है आप लोगों के लिए, वाओ. किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स दो दो बार आया है आप लोगों के लिए. ओके दो दो बार आया है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल. जेमिना यहाँ पर हैवी है, वन मोर कार्ड. ओके नाइट ऑफ सॉट्स, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए थ्री ऑफ वॉन्स. ओके थ्री ऑफ वॉन्स रिपीट हुआ है. ओके सो यहाँ पर रिपीटेड कार्ड्स भी है. ओके मैं कार्ड्स को अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ. मुझे ना यहाँ पर आप लोगों के लिए उतना वो जितना पाइल नंबर वन में हैवी था उतना हैवी मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है. बट स्टिल या आप लोग हो फिलहाल सैड, डेफिनेटली हो. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है, ओके ब्लॉक वगैरह किया है, या फिर आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है. इस किस्म का सिचुएशन क्रिएट हुआ है आप लोगों के बीच. और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट चलता रहता है. ओके ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है. सिंगल्स के लिए मैंने ये नहीं बोला है. ओके उनके लिए बोला है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है. ओके एंड आप चाहे सिंगल हो या चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं. एटलीस्ट तीन ऑप्शन तो हैं आपके पास, तीन ऑप्शन तो है. अगर नहीं है तो आने वाला है. ओके सो रेडी रहिएगा. आपको चूज करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल भी काफ़ी कंफ्यूज हो. ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग इस कन्फ्यूजन में है कि हम इसी इंसान के साथ अपना लाइफ स्पेंड करें या कोई नया इंसान हम ढूंढें. आप इस किस्म के कन्फ्यूजन में हैं. ओके अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर के साथ अभी आप लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कांटेक्ट नहीं है बहुत लोगों के. ओके सो बहुत जल्द वो कांटेक्ट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है. वो आने के बारे में तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, और आएंगे ज़रूर बहुत जल्द, ठीक है. सो फिर देख लीजिएगा आप ये इंसान आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा. मैं ये नहीं देख रही कि आप किससे शादी करोगे, मैं ये देख रही हूँ कि क्या क्या बदलाव आएगा शादी के बाद. करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों का एंड बाद में शादी के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है. सो करंट सिचुएशन में फ़िलहाल तो आप काफ़ी कन्फ्यूज हो, सैड रहते हो जो कुछ भी हुआ आपके साथ उसको लेकर, चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ आपको तकलीफ़ दिया हो या किसी अपनों ने आपको तकलीफ़ दिया हो. ओके कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ सिचुएशन, क्योंकि मैं सबका लव सिचुएशन नहीं बोलूँगी क्योंकि हर कोई लव रिलेशन में नहीं है. ओके सो जो भी है, जिसने भी तकलीफ़ दिया है आपको, आप उस वजह से आपको कई बार ऐसा होता है कि आप रात में बीच में जाग जाते हो, बीच बीच में जाग जाते हो एंड आपको नींद नहीं आता है.
आपको लगता है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कुछ इस किस्म की एनर्जी में आप हो अभी, ओके। एंड डोंट वरी, ये सब एनर्जी हमेशा नहीं रहता, ये सब टेम्प्रेरी एनर्जीज है, राइट। ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए ये एनर्जीज नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, आपकी जो आप मैरिज होगी, आप चाहे यू नो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है एंड आप लोग सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो और सेकंड मैरिज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। चाहे आप अपना सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो या फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो या फिर थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, जो भी है, नेक्स्ट जो आप जिस इंसान के भी साथ कमिटेड होने वाले हो, लाइक शादी करने वाले हो, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये रिलेशनशिप। स्पेशली मुझे यहाँ सोलमेट कनेक्शन स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो इंसान कर रहा है आपके लिए मैनिफेस्ट, जो आपके लाइफ में आएगा एंड आपसे शादी करेगा, ओके। काफ़ी स्टेबल इंसान है, फैमिली को संभाल के रखने वाला इंसान है, चंचल किस्म का मुझे नहीं लग रहा है, ओके। काफ़ी मुझे अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रहा है, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे ये इंसान, काफ़ी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ जिसे हम बोलते हैं, वैसे इंसान होंगे। इनके पास सब कुछ होगा लेकिन ये घमंडी बिल्कुल भी नहीं होंगे, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे होंगे जो लाइफ में उनको सब कुछ चाहिए, लाइक प्यार, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार से ही हो जाएगा या फिर सिर्फ पैसों से ही हो जाएगा, नो, इन्हें सब कुछ चाहिए और सब कुछ ला भी सकते हैं, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। और ये कैसे इंसान है जिनके साथ जब आप शादी करोगे आपको करियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ यू नो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ब्राइटनेस आएंगे आपके लाइफ में। दो बार यहाँ पर टू एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आप लोगों के लिए, दो बार आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये किस्म का सन कार्ड ही होता है, पाइल वन में भी आया था एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आए हैं आप लोगों के लिए कुछ सिमिलर कार्ड्स है जो पाइल वन में भी आया था, ओके। सो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके बर्थ डेट के हिसाब से ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, राइट। सो या, और हाँ, इस कनेक्शन में आफ्टर मैरिज आपके साथ जो बदलाव आएगा, मेन बदलाव ये आएगा कि आप हील होने वाले हो, जो भी हुआ आपके साथ पास में, जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, हार्ट टेक्स जिसने भी किया हो, चाहे आपके किसी पार्टनर ने किया हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वट एवर, या फिर आपके किसी फैमिली अपनों ने किया हो, फैमिली मेम्बर्स में से जो भी है, उस चीज़ को, उस दर्द को, उस पेन को आप हील करने वाले हो, ओके। बहुत खूबसूरती से आप इस रिलेशनशिप में रहने वाले हो, लाइक आपको लगेगा कि कुछ मैजिक हो गया, कि इतना कुछ कैसे, मतलब इतना जल्दी कैसे सब कुछ चेंज हो गया, यू नो, आपको कुछ इस किस्म की एनर्जी फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो एक ड्रीम है, ओके। क्योंकि फ़िलहाल आप अपने ड्रीम में सोचते हो ये चीज़ कि ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, कुछ इस किस्म की सोच है अभी आपकी, और ये मुझे फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही लविंग, केयरिंग नेचर के होंगे आपके अंदर, स्पेशली वो चीज़ आएगा अगर अभी आप ऐसे इंसान बन चुके हो जिसके अंदर बहुत गुस्सा है आपको, या फिर आप बहुत रूडली बात करते हो, अगर कुछ इस किस्म की एनर्जी है जो कि मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों की, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है, वो सुधार आने वाला है, ओके। वो सुधार आपके लाइफ में आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन, अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, आप अटक से गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ, कुछ इस किस्म की यू नो एनर्जी में आप हो, कन्फ्यूजन। सेवन ऑफ कप्स वाला जो यू नो कन्फ्यूजन है मुझे वो दिख ही रहा है, या सेवन ऑफ कप्स ऑलरेडी है भी यहाँ पर, तो चूज़ करने के मामले में मुझे कई लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सिंगल हो या फिर ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका हो। सो बी केयरफुल चूज़ करने के टाइम पे, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे आएंगे जिनमें से कुछ बुरे भी होंगे, सो चूज़ करने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। फ्यूचर तो मुझे आपका बहुत ब्राइटफुल नज़र आ रहा है, ओके। काफ़ी अट्रैक्शन होगा, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो बॉन्डिंग होगा आपके उस इंसान के साथ, काफ़ी अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। यहाँ पर सेम कार्ड्स भी काफ़ी आए हैं और द लवर्स का कार्ड आया है, आप लोग काफ़ी मिरर करने वाले हो एक दूसरे की एनर्जी को। ये भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस
कनेक्शन लग रहा है, ओके आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में रहते हो या फिर रहने वाले हो, यू नो रहने वाले हो मींस ये उनके लिए हैं जो सिंगल्स हैं जिनकी लाइफ में अब तक आए नहीं है पार्टनर, ये उनके लिए बोला मैंने कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने वाले हो, आफ्टर मैरिज तो साथ ही रहोगे, ओके। सो ऑरेकल मैसेजेस में बता दूँ आप लोग के लिए क्या आया है, ओके ओके। व्हेन द टाइम इज राइट आई विल बी विथ यू, प्लीज वेट फॉर मी, ऑल विल बी ब्रोथ टुगेदर इन डिवाइन टाइमिंग, ओके। सो ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ही है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फिलहाल अपने करंट पार्टनर के साथ ब्रेकअप में है या फिर सेपरेशन में है और वो चाहते हैं कि यू नो आपके साथ रीयूनियन हो जाए, ओके आपको वेट करने के लिए बोला है, स्पेशली अगर आप उस इंसान का राह देख रहे हैं तो, ओके वो इंसान तो आपका वेट कर ही रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला वो काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में दोबारा आने के लिए, और इसीलिए उनको उन्होंने आपको बोला भी है कि वेट फॉर मी, ओके डिवाइन टाइमिंग जब आएगा मैं तुम्हारे लाइफ में आऊँगा या आऊँगी जो भी है, ओके सो आपको वेट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है विश wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Choose wisely. जैसे कि मैंने बोला आप काफ़ी confused हैं, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, हैंडमैन ऑलरेडी है ही, अटके हुए हैं और आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। अगर आप अब तक कन्फ्यूज नहीं हुए हो choose करने के मामले में तो आगे आपको कन्फ्यूजन्स आ सकता है, सो बी केयरफुल चूज़ करने के टाइम पे, ओके जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, ज़रूरी नहीं कि चमकता हुआ हर एक चीज़ हीरा हो, है ना, तो बाहर से चमकने वाला हर शख्स अंदर से भी उतना ही यू नो सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, सो बी केयरफुल चूज़ करने के बाद वक्त सही तरह से चूज़ करें और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार इंसान मैनिफेस्टेशन में गलतियाँ कर देते हैं, गलत चीज़ को वो लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं, सो बी केयरफुल। यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए न्यू लव, ओके सो कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, स्पेशली जो लोग जिनका डिवोर्स हो चुका है या फिर कम्प्लीटली आप लोग ब्रेकअप कर चुके हो और आप लोग चाहते हो कि एक नया पर्सन आए एंड या फिर जो लोग सिंगल्स हैं, ओके अगर आप न्यू लव की तलाश में हैं तो डेफिनेटली आपको न्यू लव मिलने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स भी आया है, तो काफ़ी फास्ट एनर्जी मुझे लग रहा है, ओके अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव by enjoying this moment fully. आप जो आपकी current situation है उसमें आप इस nine of swords की energy में ना रहो, ठीक है, enjoy करो इस moment को, खुश रहो, अपने चेहरे पे वो brightfulness, वो चमक बरकरार रखिएगा, खुश रहिएगा, इससे क्या होगा आप कई लोगों को attract करोगे अपनी तरफ, especially positive energies को आप अपनी तरफ attract करोगे and जो रोमांस है आपकी लाइफ में उसमें काफ़ी सुधार आएगा, ओके रोमांटिक लाइफ में आपके काफ़ी सुधार आएगा उससे। नेक्स्ट है गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, स्टे पॉजिटिव। यहाँ पर भी सेम डिवाइन टाइमिंग की ही बात आ गया है, ऊपर वाले को पता है कि उनको आपके लाइफ में कब किसको भेजना है, ओके सही टाइमिंग पर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, ओके सही टाइमिंग ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा, सो पॉजिटिव रहिएगा आप, ठीक है, उनको पता है, ऊपर वाले को पता है कि आपके लिए वो सही इंसान कब वो भेजेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही पता है ये चीज़, राइट ये मैंने पहले ही बोला था जहाँ पर शादी की बात मैं कर रही थी, वहाँ पर भी मैंने बोला था, कई लोग पूछते हैं कि शादी कब होगा, इतने रिक्वेस्ट की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता कि कब होगा, क्योंकि कई बार प्रेडिक्शन भी गलत निकलता है, ये मैंने खुद देखा है दूसरों के साथ होते हुए, ओके सो ये डिवाइन टाइमिंग है, बस आप ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन, बी ओपन फॉर वट एवर कम्स नेक्स्ट, ओके एक्सपेक्टेशंस से मैं ये भी बोलूँगी इस कार्ड से, ज़रूरी नहीं कि आप जैसा एक्सपेक्ट करो वैसा ही हो, ओके सो ओपन माइंडेड रहिएगा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम जैसा इंसान एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही इंसान हमारे लाइफ में आए, क्योंकि हमारे लिए क्या बेहतर होता है ये कई बार हम नहीं जानते हैं, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, सो ध्यान रखिएगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जो आप लोग की कन्फ्यूजन है ना, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो या नहीं, ओके
सो ये कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग वाला एनर्जी मुझे मिल रहा है, बी अलर्ट, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, सो देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर आया है पार्टनरशिप, लर्न टू ग्रो विथ अदर्स, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स बाय वर्किंग टुगेदर, टच इच अदर्स हार्ट्स बाय लाइफ लास्ट, ओके। यहाँ पे पार्टनरशिप की भी बात आ गई है, दूसरों के साथ किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है वो सीखने के लिए आपको बोला गया है। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, बट उससे आप सीखिएगा, उन ऑब्स्टिकल्स को, उन मुसीबतों को, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा उन सबको आप पीछे छोड़ के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उसके ऊपर आप वर्क कीजिएगा, ओके। लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, स्पेशली आफ्टर मैरिज ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस प्लस जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं, छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स, उनको कैसे फेस करना है, आगे बढ़ना है, उसके ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ एक साथ काम करके आगे बढ़ना है, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स भी आया है, राइट। सो वो चीज़ है, वो ये एक्चुअली स्पेशली आपके आफ्टर मैरिज के लिए ये मैसेज है, चाहे आप सिंगल हो या ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, जॉइन विद लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है। स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान ज़्यादा है तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोगों के साथ दोस्ती कीजिएगा, उनसे नई नई बातें सीखिएगा, इससे आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, ओके। और वो आपके लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, ओके। यहाँ पर है लव लाइफ, न्यू और रिन्यूड लव, रोमांटिक लव इज हियर फॉर यू, ओके। सो अगेन यहाँ पर न्यू लाइफ के बारे में आया है, साथ ही साथ यहाँ पर रिन्यूड के बारे में आया है। अगर आप उस पार्टनर के इंतज़ार में हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सेपरेशन में हो और आप उस इंसान की राह देख रहे हो, जैसे कि वो इंसान तो आपका राह देख ही रहा है, ओके, उन्होंने तो आपको वेट करने के लिए भी बोला है, अगर आप भी देख रहे हो सो डोंट वरी, आपको मिलने वाला है वही शख्स, ओके। उसी के साथ आपकी शादी होगी। अगर आप न्यू लव की तलाश में हैं तो न्यू लव आपको आएगा, ओके। ऑप्शंस आपको कई सारे मिलेंगे, सो चूज़ करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहेगा, ओके। लेट्स सी आप लोग की शादी कब होने वाली है फॉर पाइल नंबर टू। ओके, टू ऑफ वॉन्स आया है आपके लिए, एक कॉल लेती हूँ मैं। सन, ओके, ब्यूटीफुल हैंडमैन, बाय द वे हैंडमैन तो मैं नहीं लूँगी। या टू ऑफ वॉन्स आया है यहाँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे दो साल या फिर दो महीना लग रहा है, ठीक है, दो साल या फिर दो महीना, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दो साल यहाँ पर लग रहा है। एक एंड ऑल्सो जो यहाँ पर बाकी के कार्ड से उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्स मंथ्स भी हो सकता है, नेक्स्ट सिक्स मंथ्स, ओके। आप जब ये वीडियो देखोगे तब से ये रेजोनेट करेगा, दो महीना या फिर दो साल या फिर सिक्स महीना, छः महीना, ओके, टू और सिक्स मंथ्स या फिर दो साल, ये टाइमिंग है, ओके। एग्जैक्टली इतना ही महीने में होगा ये मैं नहीं बता सकती, इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके, जनरल रीडिंग है। एंड वन मोर थिंग, हमेशा याद रखिएगा जो टाइमिंग होती है मैरिज का, जो प्रेडिक्शन लोग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये सही हो, ठीक है, अक्सर गलती होता है, स्पेशली पर्सनली जो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उन लोगों के साथ भी ये गलती होते हुए मैंने खुद देखा है, ओके। बट यहाँ कार्ड्स के थ्रू जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, नंबर टू एंड नंबर सिक्स यहाँ पर मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है। सो दो महीना या फिर दो साल या फिर सिक्स महीना, छः महीना हो सकता है, यहाँ पर छः साल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ छः महीना हो सकता है। और द सन का कार्ड भी आ गया है, सो काफ़ी ब्राइटफुल रहेगा आपका मैरिज, ओके। सो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके, बाय।